का व्यू मॉर्निंग का बहुत सही लग रहा है, नज़ारा यहाँ पे आसपास। रात भर बारिश हुई है, स्टार गेजिंग नहीं हो पाई बिकॉज़ बारिश हो गई, क्लाउडी हो गया था वेदर। अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। तो सुबह हमने नाश्ता कर लिया, आलू के पराँठे और पोहा और चाय और ब्रेड जो बड़ी मुश्किल से दे रहा था वो। पोहा वॉज नॉट सो गुड बट आलू के पराँठे ठीक थे। तो वी आर ऑल सेट एंड गोइंग टू पैंगोंग नाउ। और पैंगोंग जाने के लिए हम जस्ट शुरू ही हुए थे। पहले तो बहुत अच्छा व्यू है मेरे पीछे जिसका मैंने सिनेमैटिक शॉट लिया है, और दूसरा है ये ट्रक जो कि फंस गया है सैंड ड्यून में। ये ट्रक फंस गया है और ये हमारी गाड़ी है और यहाँ जाम लग गया पूरा। और अब हम ये भैया जो हैं फावड़ा लेके ट्रक निकालना चाह रहे हैं, और ये ट्रक निकलेगा तब हम जाएंगे। हम लोग टाइम पे हैं सो दैट सही से पैंगोंग पहुँच जाए, बट दे देखो ये लेट कराने वाले काम हो गए हैं। पानी डाल रहे हैं, सैंड हटा रहे हैं, और व्यू देखो आप नुब्रा वैली। हम जिस रास्ते से आए थे ना कल, वो ऊपर वाला रास्ता पक्की सड़क थी, बट कल क्योंकि बारिश बहुत हुई है तो लैंडस्लाइड हो गया। वो दिस्कित मॉनेस्ट्री से जो नुब्रा वैली रास्ता आ रहा था वो वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, तो वहाँ कोई नहीं जा रहा है, सब एक कच्चे रास्ते जा रहे हैं। आधे घंटे से वेट कर रहे हैं इसको निकालने के लिए। पानी क्रॉस करके जाना है, बहुत सारी वाटर स्ट्रीम्स हैं बीच में। ओह सामने वाली नदी का ही पानी आ रहा है यहाँ पे। अच्छा नदी का पानी नहीं है, ऐसे भर गया है। हाँ ये बारिश का पानी है। लंबा सा जाम लगा हुआ है बिकॉज ऑफ वाटर स्ट्रीम जो कवर करनी है। हमने गाड़ी पीछे छोड़ के हम आगे जा रहे हैं। तो अब ट्रैफिक से निकल करके हम लोग दोबारा हिल्स पे चढ़ना शुरू हो गया है और व्यू दोबारा से चेंज हो गया है। वैलीज में चल रहे थे और अब एकदम से हिल्स आनी शुरू हो गई, फिर से ब्रिज आ गए हैं। तो ये जो बदलते नजारे हैं इसी का पूरा मजा है लद्दाख में जर्नी का। पैंगोंग की तरफ जा रहे हैं और बहुत सही वैली का व्यू है यहाँ पे। हम लोग रुके हैं लंच करने के लिए रैंचो कैफे में। वेज मोमोज आ गए हैं, मैगी खत्म हो गई है वेज फटाफट, क्योंकि सबको भूख लगी थी, और एक चाउमीन की प्लेट भी खा चुके हैं। कैसा टेस्ट करो? क्रस्ट पतला इसका है ना। हाँ लंच करने के बाद हम लोग निकल चुके थे दोबारा पैंगोंग लेक के लिए, और रास्ते में ये बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप आया, ग्रीन ग्रास विद द वैली व्यू और ये वाटर स्ट्रीम। तो ये देख के हम यहाँ रुक गए, और आप देख सकते हैं डॉग्स और शीप भी हैं यहाँ पे। फिर ऑफ रोडिंग के साथ दोबारा हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं पैंगोंग लेक। मैंने व्यू दिखा दिया है, अब आ रही है रूम टूर की। हम लोग रुके हैं पैंग TSO कैंप्स में, और भैया को बोलने के बाद हमें मिल गया है अपग्रेड टू द कॉटेजेस। तो कैंप में भी देखूंगा, अगर आपको दिखा पाऊंगा तो। ऐसे कैंप्स हैं, स्विस कैंप्स बोलते हैं, बिकॉज वाटर प्रूफ होते हैं, सेम लाइक नूबरा। और ये रहा कॉटेज, ठीक है। ये है बेड, ये सोफा कम बेड, थर्ड पर्सन सोने के लिए ये बेड। और बैटरी ऑफ हो गई थी भाई बीच में। ये है वॉशरूम, जल्दी जल्दी फिर बैटरी चेंज करेंगे। देखो बेसिक सा वॉशरूम है, साफ सुथरा, मस्त। मज़ा आ गया भाई ये कैम्प देख के, बिकॉज जहाँ हम अभी हैं ना वहाँ सिग्नल तक नहीं आ। ये है भाई कैंप, वैसे ये भी कोजी कोजी सा ही कैंप है। विंडोज़ हैं जैसा सेम नोबरा में था वैसा ही, बाथरूम वैसा ही है। हाँ, और अटैच वॉशरूम सेम ही है वैसे। हाँ, फिटिंग्स वगैरह सब सेम है। हाँ, बेड काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, एरिया के हिसाब से तो बहुत सही बेड दिया हुआ है। ये बालकनी है, अच्छा। और ये सामने व्यू, ये कॉटेजेस, इस कॉटेज में ठंड नहीं लगती है। मतलब इसकी ब्यूटी ना अलग ही है। तो हम लोग आ चुके हैं पैंगोंग लेक, एग्जैक्टली लेक के पास जो मैं ऊपर से दिखा रहा था अभी तक। ये है वो लेक, और इफ यू कैन सी पानी कितना क्लीन है, कितना क्लियर है। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू। मेरे गिम्बल भी है और ये भी। तो अब प्लान ये है, क्योंकि दिखा दिया ब्लॉग में पैंगोंग लेक, हम लोग खींचेंगे फोटोज़ यहाँ पे। और फोटोज़ देखने के लिए आप अक्की पारुल इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ थोड़े अपडेट्स क्विक होते हैं कंपेयर टू ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग एडिट होके आता है। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ अगर कोई लद्दाख आ रहा है तो, फॉर द नॉलेज। ये देखो यहाँ से डिवाइड हो रहा है बेसिकली, ऐसे मतलब एक बीच वाला लैंड है। तो हम लोग थोड़ा आगे तरफ जाएंगे जहाँ लोग कम है, ताकि सही फ़ोटो खींच सकें, है ना। बहुत सुंदर है यार ये जगह। और ये मेरा नया गिम्बल, सी ज़ायन का ऑटो बैलेंस होता है, इसका भी रिव्यू वीडियो करूँगा मैं, थोड़ा सीख रहा हूँ इसी ट्रिप पे, पहली बार सीख रहा हूँ मैं। ये ज़ायन का है, स्मूथ थ्री यहाँ ब्रांडिंग हो रखी है। बेसिकली स्टेबलाइज करने के लिए अपने शॉट्स को, अगर GoPro की बैटरी ख़त्म हो जाए या रील्स वगैरह बनाने के लिए। फोटो शूट वहाँ चल रहा है ऑलरेडी, पारुल की फ़ोटोज़ लेनी है, मुझे फ़ोटोज़ लेनी होंगी पारुल की, और सेम वाइस वर्सा होता है हमारे साथ। तो पर बहुत सुंदर जगह है, 6 घंटे लगे ऑलरेडी आने में, एंड इट इज़ वर्थ कमिंग हियर। भाई बहुत सारी शूटिंग कर ली है, और GoPro भी गिर गया बेचारा थोड़ा सा, मुझसे गिरा। स्लो मो लेने के चक्कर में वापस जा रहे हैं, ठंड लगने के पूरे चांस हैं, इसलिए मैं जादू बन गया हूँ। चलो वापस चलते हैं, ऐसे जाना है, कल स्कूटर वाले ट्राई करेंगे फ़ोटोज़। ये स्कूटर पे भी फ़ोटो खिंचाने के पैसे हैं भाई, 100-100 रुपये शायद, 3 लोग शायद, पता नहीं, देखते हैं कल सुबह उठ करके। अब डिनर करेंगे या चाय पियेंगे,
देखो चांद आ गया, पता नहीं दिख रहा है, दिख रहा इसमें। को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आई हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और दिखाएंगे नेक्स्ट डे पैंगोंग में। थैंक यू, बाय बाय।